आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम फसल को कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। आइए इस वीडियो में हम पशुपालन के बारे में अध्ययन करें। दोस्तों, आपने जगह जगह पे गौशाला, मुर्गी फार्म देखा ही होगा। इन सब में पशुओं जैसे गाय, मुर्गी इत्यादि को एक जगह पर रखा जाता है और उनका पालन पोषण किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? दोस्तों, फसल उत्पादन बढ़ाने के अलावा हमें पशुओं की देखभाल भी करनी चाहिए ताकि हमें उनसे ज्यादा से ज्यादा भोजन प्राप्त हो सके। मांस, अंडा तथा दूध के लिए पशुओं का पालन पोषण करने को पशुपालन कहा जाता है। तो चलिए पशुपालन के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले पशु कृषि। दोस्तों, गाय और भैंस जैसे जानवरों से हमें क्या मिलता है? सोचो, हमें इनसे दूध मिलता है। क्या इसके अलावा गाय और भैंस कुछ और काम में आते हैं? वे खेत की जुताई और परिवहन के लिए मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं दूध देने वाले मादा पशुओं को क्या कहा जाता है? सोचो, उन्हें दुधारू पशु बोला जाता है। और पशु जो परिवहन और जुताई में काम आते हैं उन्हें मसौदा पशु बोला जाता है। अगर मादा पशु की बात करें तो आपको क्या लगता है, ये हमेशा दूध दे सकती है? सोचिए जरा। जी नहीं दोस्तों, मादा पशु बछड़े को जन्म देने के बाद ही कुछ समय तक ही दूध देती है और उस विशेष अवधि को दुग्ध श्रवण कहा जाता है। क्या आपको पता है दुग्ध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है? सोचिए, दुग्ध श्रवण के काल में वृद्धि करके बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, हमने पहले जाना कि संकरण के जरिए से अच्छी फसल की प्राप्ति की जा सकती है। क्या यह संकरण जानवरों में भी संभव हो सकता है? क्या संकरण से जानवरों में भी अच्छे गुण वाली प्रजाति प्राप्त की जा सकती है? सोचो जरा। जी हाँ दोस्तों, ऐच्छिक जानवरों में भी संभव है। उदाहरणतः जर्सी, ब्राउन स्विस ऐसी प्रजातियां हैं जिनके दुग्ध श्रवण का काल अधिक है, और लाल सिंधी, साहिवाल ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। यदि दोनों नस्लों के परिणाम बछड़े में देखे जाएं, तो बछड़े में दोनों गुण होंगे जो कि दुग्ध श्रवण की अधिक अवधि और रोग के प्रति उच्च प्रतिरोध है। दोस्तों, आपको पता है पशु कृषि में पशुओं की साफ सफाई और खान पान का भी अधिक ध्यान रखा जाता है। जानवरों के शरीर से गंदगी और ढीले बालों को हटाने के लिए नियमित रूप से ब्रश किया जाता है और जानवरों को हवादार छतदार प्रदान किया जाता है जो उन्हें गर्मी, ठंड और बारिश से भी बचाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है पशुओं को खाने के लिए क्या दिया जाता है? बताइए। पशुओं को खाने के लिए चारा और सांद्र दिया जाता है। मोटे चारे में ज्यादातर रेशे होते हैं और सांद्र में ज्यादातर उच्च स्तर के प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं। क्या आपको पता है इसके अलावा खाने के लिए और क्या देते हैं? इस तरह की पौष्टिक खाद्य सामग्री के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व पशुओं के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, जैसे इंसानों को बीमारी होती है, क्या जानवर भी बीमार होते हैं? जी हाँ दोस्तों, पर क्या आप जानते हैं कि जानवरों को बीमारियों से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है? जरा सोचिए। पशुओं को विषाणु और जीवाणु के संक्रमण से दूर रखने के लिए टीका दिया जाता है। तो देखा आपने पशु कृषि कैसे की जाती है। आप जानते हैं मुर्गी पालन के बारे में। दोस्तों, हमें पता चला कि गाय और भैंस से हमें दूध मिलता है, और आपको यह भी पता होगा कि मुर्गी से हमें क्या मिलता है। जी हाँ, हमें मुर्गी से अंडा और मांस मिलता है, और अंडे और मांस की मात्रा बढ़ाने के लिए मुर्गियों की देखभाल की जानी चाहिए। दोस्तों, इसी को बोला जाता है मुर्गी पालन। अंडा देने वाली मुर्गी को लेयर बोला जाता है और मांस देने वाले मुर्गे को ब्रॉयलर बोला जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या संकरण इन मुर्गियों पे किया जाता होगा? बताइए। जी हाँ,
अच्छे गुण पाने के लिए मुर्गियों में भी संकरण संभव है। उदाहरणतः स्वदेशी असील और विदेशी लेगॉन के बीच संकरण किया जाता है ताकि चूजों की संख्या अधिक हो और अच्छी गुणवत्ता वाली हो, उच्च तापमान की सहनशीलता हो और अंडे देने वाले पक्षियों के आकार में कमी जैसे गुण प्राप्त हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लेयर्स और ब्रॉयलर्स को क्या समान तरीके से पालन पोषण किया जाता होगा? सोचो जरा। जी नहीं, दोनों के पालन पोषण में अंतर है। अच्छी वृद्धि दर के लिए ब्रॉयलर्स को प्रोटीन, वसा और विटामिन समृद्ध पूरक भोजन दिया जाता है और मांस के उद्देश्य से बाजार में भेजा जाता है, और लेयर्स को अंडे बिछाने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन और खनिज प्रदान किया जाता है, जैसे कि गेहूं, नमक, मक्का, सूरजमुखी के बीज इत्यादि। पशु कृषि में जैसे साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, वैसे मुर्गी पालन में भी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। मुर्गियों को रोग मुक्त रखने के लिए रोगाणुनाशी का छिड़काव और टीकाकरण भी किया जाता है। तो देखा आपने मुर्गी पालन कैसे किया जाता है। आइए अभी जानते हैं मछली उत्पादन के बारे में। क्या आप जानते हैं, मछली, केकड़े, झींगे आदि प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं और आबादी के बड़े हिस्से द्वारा इनका सेवन किया जाता है, विशेष रूप से तटीय क्षेत्र। दोस्तों, मानव मछली कहां से पकड़ता है? सोचिए, मानव समुद्री जल से मछली पकड़ता है और इसे मछली पकड़ना बोला जाता है। समुद्र से मछलियों को जाल की मदद से पकड़ा जाता है। दोस्तों, मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? सोचिए, आइए इसी बारे में जानते हैं। मछली उत्पादन मछली संवर्धन से बढ़ाया जा सकता है। इसमें अत्यंत सावधानी के साथ तालाब, समुद्र के सीमित क्षेत्रों में चयनित मछलियों का संवर्धन किया जाए। क्या आपको पता है समुद्री जल में किस तरह की मछलियां पकड़ी जाती हैं? समुद्र में पोमफ्रेट, नकेरल, टूना, सार्डिन और बॉम्बेडक जैसी मछलियां पकड़ी जाती हैं। उच्च आर्थिक मूल्य की कुछ समुद्री मछली समुद्री जल में खेती भी की जाती है, जैसे मुलेट, भेटकी, झींगे, मसल्स और साथ ही समुद्री शैवाल। इनके अलावा नहरें, तालाब, जलाशय और नदियों में से भी मछलियां पकड़ी जाती हैं। लेकिन इन सब में पैदावार बहुत कम है, इसीलिए इन सब में ज्यादातर मछली संवर्धन की जाती है। क्या आपको पता है, मछली संवर्धन चावल की फसल के साथ भी की जाती है, जिससे फसल में दिए जाने वाली पानी से मछलियां भी बढ़ सके। इस प्रणाली को बोला जाता है मिश्रित मछली संवर्धन। ये प्रणाली में 5 या 6 मछलियों की प्रजाति का इस्तेमाल एक ही तालाब में किया जाता है और मछलियों की प्रजाति का चयन ऐसा किया जाता है कि उनके बीच भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा ना हो, अथवा तालाब के सभी हिस्सों में उपलब्ध भोजन का उपयोग किया जा सके। जैसे कैटलास तालाब के सतह से अपना भोजन लेती हैं, रोहस मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती हैं, मृगल्स और कॉमन कार्प तली से अपना भोजन लेती हैं। ये प्रजातियां एक साथ प्रतिस्पर्धा के बिना तालाब में सभी भोजन का उपयोग कर सकती हैं, जिससे तालाब में मछली के पैदावार में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से मछलियों का उत्पादन बढ़ाया जाता है। अभी तक आपने जाना कि कैसे हमें पशुओं का मांस, दूध और अंडा मिलता है। क्या इसके अलावा हमें कुछ और मिलता है पशुओं से? सोचिए दोस्तों, हमें मांस, दूध और अंडे के अलावा पशुओं से शहद भी मिलता है। लेकिन हमें शहद कहां से मिलता है? सोचिए, मधुमक्खी से। जी हाँ, और इसी वजह से शहद को पशु उत्पाद भी माना जाता है। पर कभी आपने सोचा है ये मधुमक्खी शहद बनाती कैसे होगी? आइए जानते हैं। मधुमक्खियां विभिन्न फूलों पर बैठती है और फूल में मौजूद रस को अवशोषित करती है। अब ये रस मधुमक्खियों के मुंह में मौजूद एंजाइम के साथ मिल जाता है, जिससे शहद बनाता है। शहद की गुणवत्ता मधुमक्खियों को उपलब्ध होने वाली फूलों पर निर्भर करती है। दोस्तों, शहद सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें पोषक तत्व होते हैं
और ये ऑक्सीकरण रोधी से भरपूर होते हैं और शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है, जैसे एपिस सेरेना इंडिका, ए डोर्साटा, ए फ्लोरा और ए मेलिफेरा। दोस्तों, चूंकि मधुमक्खी पालन में कम निवेश की आवश्यकता होती है, इसीलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन भी मानते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या अध्ययन किया? पशु कृषि, कुक्कुट यानी कि मुर्गी पालन, मत्स्य उत्पादन और मधुमक्खी पालन।